सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमंस इस विषय पर हॉलीवुड तथा बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। ये फिल्में बनने का मेन रीज़न लोगों में इन सुपर ह्यूमंस के प्रति मौजूदा क्यूरियोसिटी है। आज भी हर कोई यही चाहता है कि उन्हें ऐसी सुपर पावर्स मिले जो उन्हें सुपर ह्यूमंस बना दे। पर आज भी इस दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद है जो ऐसी शक्तियों के मालिक है। उनमें से कुछ लोगों को ये शक्ति जेनेटिकली मिली है और कुछ लोगों ने वो अपने आप में विकसित किए हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 7 सुपर ह्यूमन से मिलाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। टीथ ऑफ स्टील। मलेशिया के रहने वाले रत्नकृष्णन वेलू बस अपने दांतों से 200 टन वजन खींचने में सक्षम है। जब वो 14 साल के थे तो एक भारतीय गुरुजी ने उन्हें अपनी बॉडी की सारी शक्ति एक पार्ट में एकत्रित कैसे करें ये सिखाया और इसी वजह से वो इस शक्ति के मालिक बने, ऐसा रत्नकृष्णन का कहना है। आदमी जो कभी नहीं सोता। अगर मैं आपको कहूं कि एक आदमी ऐसा है जो कभी नहीं सोता तो क्या आप मानोगे? शायद इस बात पर विश्वास करना कठिन है, पर यही सच्चाई है। हैनगॉक नामक यह व्यक्ति 1973 से आज तक एक मिनट भी नहीं सोया। 1973 में एक दिन वो बीमार थे, उनको फ्लू हो गया था और इसी वजह से उन्होंने अपनी सोने की शक्ति गंवा दी। पर बाकी इंसानों की तरह वो नॉर्मल है, इसका उनके शरीर और स्वभाव पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। आइसमैन। क्या कोई सोच सकता है कि कोई इंसान सिर्फ बाइसिकल शॉर्ट्स पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जहाँ -35-60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तापमान पे प्रॉपर प्रोटेक्शन के सिवा इंसान बच ही नहीं सकता। पर विम होप नामक इस व्यक्ति ने ये कर दिखाया है। ये ठंड से ठंड वातावरण में भी अपने शरीर को गर्म रख पाते हैं और ऐसा वो योगा की वजह से कर पाते हैं। द बैटमैन। बेन अंडरवुड नामक इस इंसान ने अपनी उम्र के 3rd साल कैंसर की वजह से अपनी दोनों आंखें गंवा दी। पर इसी घटना के बाद से बेन ने अपने आप में ऐसी जादुई शक्ति ईजाद की जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। जिस तरह से बैट्स ना देखते हुए भी अपने आवाज़ के इको से अपने सामने के ऑब्जेक्ट्स के दूरी का अंदाज़ा लगा पाते हैं, उसी तरह से बेन अपने मुंह से क्लिकिंग साउंड का इस्तेमाल करके वो स्केटिंग, बाइक राइडिंग, वॉकिंग ये सब चीज़ें आसानी से कर पाते हैं और यही चीज़ उन्हें सुपर ह्यूमन बना देती है। मेटल ईटर। फ्रांस के रहने वाले मिचेल लोटिटो कई सालों से मेटल, रबर और ऐसे ही कई विचित्र चीज़ें खाते आ रहे हैं जिनके खाने के बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सब चीज़ें सिर्फ वो खाते ही नहीं बल्कि उन्हें पचाते भी हैं, जो औरों के लिए एक पहेली बन चुका है, इसलिए उन्हें मिस्टर ईट इट ऑल कहते हैं। ह्यूमन डॉल्फिन। स्टिग सेवरिनसन को इंसान से ज़्यादा डॉल्फिन ही कहा जा सकता है क्योंकि वो एक एवरेज इंसान से 7 गुना ज़्यादा पानी में अपने सांस रोक पाते हैं। स्टिग के नाम पानी में सबसे ज़्यादा समय तक सांस रोकने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। स्टिग ने 22 मिनट तक अपनी सांस रोक ली थी। स्टिग पानी में सांस लेने के लिए अपने रेड ब्लड सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सिर्फ डॉल्फिन ही कर पाते हैं। ह्यूमन टेलीस्कोप। वेरोनिका सेडर नामक ये महिला आम इंसानों से 20 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाती हैं, मतलब आम इंसान 20 फीट की दूरी तक ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और ऑब्जेक्ट के डिटेलिंग कर पाते हैं। पर वेरोनिका 1.6 किलोमीटर दूरी से किसी को भी पहचान लेती है और स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग कर पाती हैं, यही एबिलिटी उन्हें सुपर ह्यूमन बनाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसे क्लिक कर दो, जिससे हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।